वेलकम बैक गाइस, उम्मीद है आप सब ठीक है। दोस्तों आज हम किसी के बारे में नहीं, आज हम किसी से बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के जाने माने हस्ती। आ गए मुंह उठा के। अरे इंट्रोडक्शन दे रहा था पाजी आपका, पूरा बोलने तो देते मुझे, और आने के बाद ये उंगली दिखाना जरूरी है क्या? I don't know why, but थोड़ा हूँ मैं वैसा, अभी क्या करूँ? बताओ आप क्या उठाना है? क्यों, एक बार गदर में हैंडपंप क्या उठा लिया? आपको लगा कुछ उठाना होगा तो ही बुलाएंगे क्या आपको? लो उठा लो, गेहूं की बोरी आ ही गए हो तो। अरे पाजी ऐसे ही कैजुअल बातें करने के लिए बुलाया यार आपको। बताओ लॉकडाउन में पूरा दिन क्या करते हो आप घर पे, बताओ? टाइम पास। और क्या लगता है पाजी लॉकडाउन कब खुलेगा? अभी तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। बाकी सब साइड में इतना ऊंचा क्यों बोलते हो? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, शांति से बात करो यार। मैं बहुत ऊंचा बोलता हूँ तो कान सुनना चला जाता है लोगों का। मुझे पता था पाजी, इसीलिए मैं ये रुई लेके बैठा हूँ। हाँ अब बात करना ठीक है आपसे। हाँ तो बताओ, अगर नरेंद्र मोदी ठीक से नहीं कर रहा तो किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए? सनी देओल को। ये पी के आया है। लॉकडाउन में सब घर पे क्या करते हो? धर्मपा जी, बॉबी, आप सब पे क्या करते हो? मतलब खाते हो, पीते हो, क्या करते हो? हर आदमी ने लगाई होती है और हर आदमी एक उस लेवल पे होता है जहाँ पहुंच ही नहीं पाओगे। बात इंटरेस्टिंग है। अरे मतलब नॉर्मल डेज में आप बाहर भी पीते हो? बाहर भी पीते हो? मुझे कहीं स्टेज पे ले जाओ तो मैं घबरा जाऊंगा, मेरी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन जब शूटिंग कर रहा हूँ, चाहे हजारों लोग हों, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस वक्त मैं अच्छा पाजी भी लॉकडाउन है, घर पे कुछ दारू का स्टॉक पड़ा भी है क्या? एक महीने से पागलों की तरह घूम रहा हूं मैं, पागलों की तरह। शांति से यार, बात तो सही है, बट आई विश पाजी मैं आपकी थोड़ी मदद कर पाता इसमें, मेरे पास भी नहीं है सच्ची में। नफरत को मोहब्बत में बदलने का इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। आई स्वेर नहीं है पाजी मेरे पास, सच्ची में पूरा स्टॉक खत्म हो गया है मेरा भी, बस एक ग्लास दो वोडका की बोतल पड़ी है भाई। ओह शिट, नहीं नहीं नहीं, देखो इधर मत आना, नहीं नहीं मैं आपको ही। अरे मत पाजी प्लीज यार, प्लीज नहीं है मेरे पास। अरे सुन, वो दो बोतल छुपा दे, ये पकड़ा आ रहा है। अरे नहीं, गेहूं के डब्बे में मत छुपाना, वो दारू छोड़ के गेहूं लेके चला जाएगा। नहीं है मेरे पास दारू, मेरे पास दारू है ही नहीं। मेरे पास $100 हैं। अरे $100 क्या पाजी, है ही नहीं मेरे पास, सच्ची में नहीं है, सच्ची में नहीं। साफ साफ बताओ कि क्या रकम चाहिए। अरे आप 100 करोड़ भी दे दो, मेरे पास है ही नहीं, बस। मुझे बेवकूफ बनाया जा रहे बाबा, बेवकूफ को क्या बेवकूफ बनाने का? अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं ऐसी धुलाई करूंगा, ऐसी धुलाई करूंगा कि ना कोई दवा काम आएगी और ना ही दुआ। ए बस हाँ, अभी ज्यादा गुस्सा किया तो पेमेंट काट लेगा मैं। अरे हाँ, वो बॉबी देओल और धर्मपा जी ने वो विमल पान मसाला खाना छोड़ दिया ना अभी? तू मेरे भाई और पापा को अच्छी तरह से जानता है। मैंने तो लास्ट वीक ही बात किया था, आप थोड़ा समझाओ ना उनको। मैं जब तू उन्हें नहीं सुधार पाया तो मैं कैसे? एक मिनट, आपने छोड़ दी ना? देखो मैंने छोड़ दी है। नहीं नहीं, देखो आप नहीं खा रहे हो। नहीं पाजी मत खाओ। अरे नहीं यार, मैं बता रहा हूँ मत खाओ। अरे यार जेलस हाँ? अरे जेलस की बात नहीं है यार, मत सोचो कि अजय देवगन को कैसा लगेगा यार। आप छोड़ दो ये विमल खाना, आप छोड़ दो, अच्छी बात नहीं है यार। लेकिन वो मेरा पीछा नहीं छोड़ती। वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। I don't know why, but थोड़ा हूँ मैं वैसा। अरे आप वो एक सब्जेक्ट पे थीसिस लिख रहे थे ना, कुछ चाय में वोडका और विमल डाल के फिर पीते थे, वो क्या हुआ उसका? ढेर सारे लोगों के पास गए, किसी को सब्जेक्ट अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, जो मुझे अच्छा लग रहा है किससे अच्छा क्यों नहीं लग रहा। तो फिर मैं अपने पापा के पास गया, उन्हें कहानी सुनाई, उन्हें अच्छी लगी। नवा भी शौक है आपके और धर्म पाजी के। अच्छा आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन क्यों किया? इज्जत की जिंदगी जीना चाहता हूँ, अपना घर बसाना चाहता हूँ। वो तो आप सोचते हो, बट आपकी मम्मी को क्या लगता है आपके बारे में? किसी भी चीज के लायक नहीं हूँ।
तो पाजी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैसा लगा आपको आज आके? बट अच्छा लगा। अरे पाजी थोड़े अपने व्यूअर्स को भी बताओ ना, वो लोग वीडियो देखते जरूर है बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो फिर उसका मजा ही क्या? मौका भी है और वक्त भी। सब्सक्राइब तो करना ही है, लाइक करो या शेयर करो, चॉइस इज योर्स। परफेक्ट। कुछ समझ में आ रहा है? अरे हाँ यार समझ गए, उन पे तो मत चिल्लाओ, फैन है वो लोग आपके। आप इधर आओ, आपको उड़का देता हूँ। आप इधर आ जाओ, उड़का देता हूँ आपको।